अच्छा सुनो मुझे बता, 12 साल हो गया है ऑफ यू टू बीइंग टुगेदर, बट 8 इयर्स बैक यू डिड योर फर्स्ट फिल्म. वो 4 साल जो बीच में था उसमें क्या कर रहे थे? पर एक जरूर एक बात है, इन 4 सालों में हम कुछ 3 दिन के लिए किडनैप भी हो गए थे. किसने किडनैप किया तुम्हें दोस्तों? कौन वो गुंडा था, कौन वो डकैत था? और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम सच्ची में किडनैप हुए थे. और अगर मैं अब उस बात को यहाँ बोल दूंगा ना तो मैं फिर किडनैप हो जाऊंगा. बट आई एम टेलिंग यू सिड, मैं हूं सिद्धार्थ कनान, एक ही सिड के जरा हटके. और मेरे साथ है दो लोग जो अपने बीवियों अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ इतना टाइम नहीं बिताया है, जो आज ये एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं. 12 इयर्स ऑफ ब्रदरली लव, ब्रदर बीइंग वेरी की ओवर हियर, सचिन जिगर की जय हो, ताली बजाओ. बट लेट मी टेल यू, वी आर स्ट्रेट, एब्सोल्युटली स्ट्रेट. मतलब ब्रदरली लव, मतलब सुपर ब्रदरली लव है. यार भाई एक चीज मुझे बताओ, तुम अपनी बीवी के साथ 15 साल रहे हो, तुम 4 साल रहे हो, पर तुम्हारी बीवियों ने मुझे कल रात को फोन किया और बोला कि यार ये एक दूसरे को इतना प्यार देते हैं कि हमें इतना प्यार नहीं देते. सुना कि तुम्हारी बीवियां तुमको डंडे से मारती है इस चक्कर में. ये हमारी बीवियां हमारे राज खोलने पे क्यों तुली है मुझे पता नहीं, पर ये बात जरूर है कि हम इतना म्यूजिक से प्यार करते हैं और अब हम यहीं रहते हैं ऑल द टाइम. तो हमारी बीवियां जब यहाँ आती है तब हम उनको मिलते हैं, बीच में घर शायद हम जाते ही नहीं है. क्या बात है. तो पर यहाँ स्टूडियो में नहाते वहाते हो कि नहीं, सिर्फ कि वही कपड़े में काम करते रहते हो? सी वो पुष्पक देखी थी आपने? 100% भाई, तो वो वाला मामला है थोड़ा सा. क्या बात है. परफ्यूम की जय हो. यू नो व्हाट, देयर इज अ परसेप्शन, ठीक है, कि तुम लोग न्यू कमर्स हो, बच्चों वाला शक्ल है, हालांकि थोड़े ग्रे स्ट्रैंड्स आ चुके हैं कि बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, वगैरह वगैरह है, पर वाकई में यू बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो व्हाई इज दैट परसेप्शन कि दोनों भाई एक्चुअली न्यू कमर्स हैं? यार एक वन वी हैव बीन वेरी लो की यार, मतलब हमने ज्यादा बोलना नहीं आता. दूसरा दैट यू नो दैट मे बी इन द राइट स्पॉट्स यू नो वी हैव केप्ट क्वाइट. जैसे पिछले साल यू नो There could have been 7 or 8 releases, but we left 6 films. और दूसरा ये है भाई कि हम जब भी आते हैं तो हम शायद एक नया म्यूजिक लेके आते हैं, तो ऐसा लगता है ये तो कोई नए लोग ही होंगे जो नया म्यूजिक लेके आ रहे हैं. पर सुनो, इंडस्ट्री में एक बात फैल चुकी है कि दोनों भाई सचिन जिगर ने 6 फिल्में रिफ्यूज की. वॉज इट बिकॉज देर वॉज ईगो सेइंग दैट वी आर डूइंग वेरी वेल? वॉज इट बिकॉज सेइंग भाड़ में जाए हमें ज्यादा पैसा चाहिए? या वॉज इट वॉज सेइंग यार बॉस हम अपने टर्म्स में काम करेंगे? वॉट वॉज इट, वॉज इट दैट ईगो? ब्रो पैसा तो है नहीं, लेट्स बी फ्रैंक. इनकम टैक्स से भागने की कोशिश कर रहे हैं दोनों? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पर यह है कि हमको हम फुल एल्बम्स करना चाहते हैं और चाहते रहेंगे. और वो जो फिल्में थी उसमें एक एक दो दो गाने करने की वो था. आई डोंट थिंक वी आर गुड एट इट, हम शायद फिल्म को ही नुकसान कर देते. तो हमने सोचा चलो जब पूरी फिल्म आएगी तब करेंगे. एक ऑनसम्बल की जो वाइब है ना, मेले की जो वाइब है वो नहीं. लाइक यू नो वी हैव ट्राइड हार्ड टू फाइंड दिस निश फॉर आसर्स कि जहाँ हम पूरा एल्बम खत्म कर सकते हैं. सो वी आर फाइटिंग फॉर दैट और मजा भी आ रहा है. जैसे पिछले साल 6 फिल्में रिजेक्ट की, इस साल 7 फिल्में की, 7 फिल्में कर रहे हैं सोलो कंपोजर. बट डोंट यू हैव द बिग म्यूजिक लेबल्स विच सेज यार, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स आज के जमाने में एक एल्बम कर रहे हैं जहां पे 5 और म्यूजिक डायरेक्टर्स है एक गाना रिलीज करते हैं. हियर आर दीज सो कॉल्ड न्यू बॉयज डिस्पाइट बींग अराउंड फॉर 12 ईयर्स जो कह रहे हैं हम लोग को सोलो एल्बम चाहिए. डजंट दैट मेक यू हॉइटी टॉइटी? नो आई डोंट थिंक सो. मैं बता रहा हूँ इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी ईगो. हमको ऐसा लगता है कि वी डोंट फिट वेल, हम शायद उस फिल्म को जस्टिस नहीं कर पाएंगे जहाँ हम एक गाना कर रहे हैं, हम अपना दिल नहीं दे पाएंगे. तो किसी का पैसा लेके किसी का भरोसा लेके उसको तोड़ने का कोई मतलब नहीं है. और आजकल मसायास जो आते हैं बोलते हैं भाई पुराना गाना रीमिक्स करो, रीमेक करो, बिकॉज दैट इज अ ट्रेंड. पुराने पुराने गाने ऐसे आ रहे हैं 1920s के गाने वापस बन के आके. और सुना है कि तुम बदमाशों ने ओपनली सबको कहा भाड़ में जाए वी वॉन्ट टू रीमेक्स अगेन, दैट कम्स फ्रॉम वेरी एटीट्यूडनल. No, but the see the thing is we are busy in making songs that other people will remake after 10 years. क्या बात है दोस्त, punchline. हाँ, no, our sincere effort is to keep those classics as they are. यार आर डी बर्मन का चुरालिया में जो घंटी बजती है, जो ग्लास बजाते हैं, ये सब अगर उसमें नहीं रहेगा तो चुरालिया का फन क्या है? तो आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि जिस तरह से उसको बनाया था वैसे ही वो ठीक है. We are now busy in making new songs that people will say कि हाँ यार 10 साल पहले भी original music बनता था. और अगर कभी हमको ऐसा एक गाना हम कर रहे हैं और हमको ऐसा लगा इस गाने का मुझे remake करना है तो हम करेंगे भी, पर उसको फिर अपने तरीके से करेंगे. अच्छा सुनो मुझे बता, 12 साल हो गया है of you two being together, but 8 years back you did your first film.
वो 4-4 साल जो बीच में था उसमें क्या कर रहे थे, टॉयलेट साफ कर रहे थे, हाँ चोरी कर रहे थे, भीख मांग रहे थे काम के लिए मेरी तरह, जो आज तक मैं भीख मांगता हूँ, क्या था? वाज इन अ टफ स्ट्रगल यार, स्ट्रगल था लेकिन बहुत स्वीट स्ट्रगल था. मतलब हमारा स्ट्रगल विद गॉड्स ग्रेस और ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स और व्हाटएवर, आई थिंक आवर स्ट्रगल वॉज टू फाइंड द राइट वर्क एंड टू you know like to jump between one great guru and the other great guru and take lessons from each. So we were arranging, you know, hum log ha humne sab ke liye arrange kiya. Pritam sir, Randu Malik, Nadeem Shravan, Sandesh Chandalya, Rehman sir ke liye kuch 2-3-4 jingles ki, ek do gaane kiye, to humne bahut sara kaam kiya is dauran. Par ek zarur ek baat hai, in 4 saalon mein hum kuch 3 din ke liye kidnap bhi ho gaye the. किसने किडनैप किया तुम्हें दोस्तों? कौन वो गुंडा था, कौन वो डकैत था? और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम सच्ची में किडनैप हुए थे. और अगर मैं अब उस बात को यहाँ बोल दूंगा ना तो मैं फिर किडनैप हो जाऊंगा. बट आई एम टेलिंग यू सिड, हम दोनों जन मुंबई में ही एक खुफिया जगह पे किडनैप हो गए थे. यू मीन बाय रियल किडनैपिंग? रियल किडनैपिंग. नो, बेसिकली दे वांटेड अस टू अरेंज 12 सॉन्ग्स. तो हमने इन 2000 रुपीज़, या तो एक गाने के लिए 2000 रुपए थे. तो हमने सोचा यार 12 गाने 24,000 रुपए, नया कंप्यूटर खरीदेगा. तो हमने वो सोच के हमने प्रोजेक्ट ले लिया. फिर जब वी फिनिश वन सॉन्ग तो अरे वेरी गुड वेरी गुड, ऊपर एक स्टूडियो है वहाँ जाके बाकी का काम करेंगे. और वो स्टूडियो नहीं था, वो एक काली सी कोठरी थी छोटी सी, और उसमें जेल की तरह नीचे से खाना आया एक दिन. और मैंने कहा कि चलो अब रात हो गई, घर जाते हैं. तो उसने बोला कि, और वो मतलब आई वोंट टेक द नेम बट आई नो दोस गाइस स्टिल आर देयर अराउंड, और दरवाज़ा बंद कर दिया. और 4 दिन तक आई रिमेंबर द डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड. तो खाना वाना कहाँ से मिला भाई? आ गया जेल की तरह नीचे से, नीचे से आता था literally. अच्छा, और 5वें दिन जब काम 12 गाने ख़त्म किए 5वें दिन, और जब कंप्यूटर लेके निकले और मैंने बोला कि ठीक है अब चेक तो दे दो, तो बोले चेक लोगे? तुम्हारे पैसे भी नहीं मिले? पैसे भी नहीं मिले. एक 5,000 रुपये का चेक मिला था जो बाउंस हो गया. My God, पर क्या हो, तुम पुलिस के पास नहीं गए? तुमने कंप्लेन नहीं किया कि फट गई थी? यार सब किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो अपने हक का है वैसे भी कोई नहीं ले जा पाएगा. और उसको ऐसा लग रहा था कि यू नो ही डिड अ ग्रेट थिंग बाय पुटिंग अस यू नो इन दैट वन कोठरी. हमारे पास मोबाइल भी नहीं था तब, तो घर वाले पैनिक. लर्न अ लेसन कि भैया कौन कैसा है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना. My God, किडनैपिंग हो गया भाई. जब मेरे रेडियो शोज लोग सुनते हैं, मुझे देखते हैं टीवी वीवी में, तो लोग मुझे भी किडनैप करना चाहते हैं कि भाई इतना वाहियात कौन कर सकता है भाई. हाँ तो सोचो, यू आर रॉकिंग इट मैन, आई लव द शो, आई लव इट सो मच. वी आर बोथ गेटिंग किडनैप्ड फॉर द राइट रीजंस, आई गेस. आई गेस सो. बट लिसन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ओके, देयर वाज व्हेन यू वर स्ट्रगलिंग टू बिग प्रोड्यूसर जिन्होंने तुम दोनों से कहा नामकुलो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लूजर्स हो. वो वाकई में सच था कि नहीं? बिल्कुल सच है. और मुझे लगता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है. मुझे लगता है कि वो अपने अपने सेंसिबिलिटी की बात है. तब शायद हम जो म्यूजिक बना रहे थे उनको नहीं समझ में आया, पर वो गाना चार्टबस्टर बन गया. अभी अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ हफ्ते पहले हमने एक गाना सुना है, वो प्रोड्यूसर को नहीं पसंद आया, और मैं श्योर हूँ 2 साल बाद गाना चार्टबस्टर होगा. मैं फिर यही स्टोरी बोलूंगा कि इस गाने के लिए हमको रिजेक्ट किया गया था. बट व्हेन दैट टू बिग प्रोड्यूसर्स सेड नामकुलो कुछ नहीं कर सकते हो, डिड इट हर्ट यू? यार पहले पहले तो ना थोड़ा सा डिजेक्शन हो गया था, डिप्रेशन हो गई थी कि यार एक ही फिल्म है, एक ही प्रोड्यूसर है, उसको भी अपना काम पसंद नहीं आ रहा, वो भी निकाल देगा, वापस बोरिया बिस्तर बांध के अरेंजमेंट शुरू करनी पड़ेगी. बट यू नो कि उसी का मजा भी है, बिकॉज यू नो व्हेन यू सी दैट डिप ना, एंड देन व्हेन यू सी पीपल व्हेन वी गो आउट फॉर द शोज, वही गाना लोग लिपसिंग गाते, हम लिरिक्स भूल जाते हैं, उन लोगों को याद रहती है. तो वो गाना जब भी 4 बज के बजता है, मैं और सचिन शो पे एक वो जब क्राउड गाता है तो हम एक दूसरे को देख के बोलते हैं we love that producer who rejected it. But we love Remo sir because he came at that time and he said, अबे किसी ने भी reject किया ना, ये मेरा गाना है और we'll go with this. तो वो Remo sir, we have to give it to him.